अस्सलाम वालेकुम। लवबर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं जो चीज़ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं वो मेरा बर्ड्स का डाइट चार्ट है जो मैंने इनके लिए बनाया है। ये मैंने इनका एक वीक का डाइट चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स लिखी हैं कि एक वीक में मैं इनको क्या क्या चीज़ें फीड करवाऊँगा। ये मैंने कंप्यूटर पे कंपोज किया है और इसको मैंने लेमिनेशन करवाई है इसकी। तो ये मैंने इसमें इनके ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड, विटामिंस, मिनरल्स और जो इनको मैं वाटर स्प्रे इन पे करता हूँ, तो ये सारी इसकी डिटेल्स मैंने इसमें शामिल की हैं। तो ये मैंने अभी बनाया है इसको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर अमल करूँ और जो जो डाइट्स वगैरह मैंने इसके अंदर लिखी हैं अपने बर्ड्स को देने के लिए, तो मैं उनको वो टाइम पे उस दिन वो प्रोवाइड करूँ। अगर तो कोई मजबूरी हो जाए, मिसाल है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है उनको ग्रीन फूड में, अगर वो मुझे अवेलेबल ना हो, मार्केट में ना मिले, ठीक है, तो मैं उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ डाल दूँगा। वैसे तो आमतौर पर घर में काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है ग्रीन फूड में, ठीक है, तो घर में ही मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं घर में जो होती चीज़ वो मैं इनको डाल देता हूँ। अगर ना हो तो फिर मैं इसको देख के तो वो फिर मैं उनको जाके ले आता हूँ मार्केट से और मैं इनको दे देता हूँ। तो ये एक दफ़ा सुबह मैं इसको देख लेता हूँ, एक दफ़ा मैं रात को इसको देख लेता हूँ, बल्कि मैंने अपने कमरे में ही रखा हुआ, तो मैं वहाँ से जो है इसको जब पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, ज़हन में आ जाता है, मैं भूलता नहीं हूँ कि मैंने जो चीज़ डालनी है वो मैं इनको डालता रहता हूँ। तो डाइट चार्ट बनाने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि इसमें आप अपने बर्ड्स को जो चीज़ देते हैं वो टाइम पे देते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है, इनकी जो डाइटरी नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती है। बर्ड्स को जो लोग सिर्फ दाना डालते हैं, बाजरा डालते हैं, ठीक है, तो वो उनकी खुराक की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता बाजरा जो है, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है अपने बर्ड्स से तो आप बर्ड्स को हर चीज़ डालें उसमें, आप ग्रीन फूड भी डालें उनको, आप सॉफ्ट फूड भी डालें, विटामिंस भी डालें, ठीक है, तो फिर आपके बर्ड जो हैं वो अच्छी ब्रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो जो चीज़ें शामिल की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन फूड मैंने इसमें लिखा है, इसमें मंडे को मैं इनको पुदीना दूंगा और ट्यूसडे को इनको गाजर, वेनसडे को इनको धनिया दिया करूंगा, थर्सडे को इनको खीरा दूंगा और फ्राइडे को इनको पालक दिया करूंगा और सैटरडे को इनको सैलड लीव्स दूंगा और संडे को इनको लूसन दिया करूंगा। तो ये जो दाना है ना रेगुलर सीड मिक्स डाइट, वो तो इनको मैं डेली डालता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ ये चीज़ें जो है मैं वीक में ग्रीन फूड डालूंगा। इसके साथ मैंने सॉफ्ट फूड की कैटेगरी बनाई है, इसमें मंडे को मैं इनको उबले हुए चावल दिया करूंगा और ट्यूसडे को मैं इनको छली दूंगा, वेनसडे वाले दिन मैं इनको या ब्रेड डालूंगा या मैं गंदुम भी कोके इनको दूंगा और थर्सडे को मैं इनको बीन्स दूंगा, बीन्स में मूंगी की बीन्स भी आ जाती है, दूसरी बीन्स भी आ जाती है, तो ये थर्सडे को मैंने रखा है और फ्राइडे को मैं इनको दोबारा बॉयल राइस दूंगा, सैटरडे को मैं इनको कॉर्न दूंगा और संडे को मैं इनको वीट या ब्रेड दूंगा, ठीक है। ये मैंने जो है वीट का सॉफ्ट फूड का जो है ये जो मैंने बनाया है ना चार्ट, ये मैंने अभी समर सीज़न के लिए बनाया, जब विंटर आएगी उसमें जो चीज़ विंटर की है वो फिर मैं ऐड कर लूँगा, एक नया डाइट चार्ट बनाऊँगा तो फिर मैं इसको जो है अपडेट कर लूँगा विंटर के हिसाब से, ये अभी गर्मियों का है, ठीक है। और विटामिंस में मैं इनको मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को विटामिंस दिया करूँगा, ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इनको ORS डाला करूँगा, इसके अलावा मंडे को और वेनसडे को और फ्राइडे को मैं इनको वाटर स्प्रे करूँगा। तो ये मेरा जो है मैंने जो बनाया है डाइट चार्ट, मैं कोशिश करूँगा मैं इस पर अमल करूँ, तो हो सकता है कि मैं इस पर पूरी तरह से अमल ना कर सकूँ, कुछ चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं भी होती हैं, अगर आप लेने जाते हो तो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, अगर उस दिन वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं फिर इनको कोई दूसरी चीज़ डाल दूँगा उसकी रिप्लेसमेंट में, और फिर अगर मुझे वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी तो फिर मैं
वो चीज़ डाल दूँगा उनको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है डाइट चार्ट है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि आप भूलते नहीं हो, ठीक है, आप इस पर अमल करने की कोशिश करते हो। अगर आप इसको सुबह एक टाइम पढ़ लो, सुबह शाम को एक टाइम इसको रीड कर लो, तो आपको याद रहता है कि आपने बर्ड्स को क्या चीज़ फीड करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बर्ड्स का डाइट चार्ट जो मैंने बनाने का तरीका बताया है आप अच्छी तरह से आपको वो समझ आ गई होगी। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।